महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 97वें प्रच्छेद में प्रथम श्लोक में प्रतिष्ठा की व्याख्या करते समझा रहे हैं। व्यक्ति को अपने आयु कर्म के निषेकों से भी अधिक प्रिय अपनी प्रतिष्ठा होना चाहिए। व्यक्ति को अपने आयु कर्म के निषेकों से भी अधिक प्रिय अपनी प्रतिष्ठा होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा प्रिय है, बालक सारस्वत जी, वो अपने चारित्र को प्रीति से पालन कर सकता है। जिन व्यक्तियों को अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं है, वे चारित्र भ्रष्ट होकर जी सकते हैं। वो इंद्रिय विषय, इंद्रिय सुख, अंतर्मुहूर्त की कसाय तो पूरी प्रतिष्ठा का नाश कर देती है। जिस बादाम का तेल निकल गया है, वो लंबी लंबी बादामें सूखी रखी है, वो खली है, तेल निकली हुई बादाम जैसे निसार है। मक्खन दही दुग्ध के अंदर से निकाल दिया गया मक्खन, घी निकल चुका है, सेपरेटर का दूध निसार है, निसार। ऐसे जिसका यश निकल चुका उसका जीवन निसार, सेपरेटर का दूध, सूखी बादाम दिखती लंबी लंबी है पर उनके अंदर कुछ भी नहीं है, बालक कुछ भी नहीं है। ऐसे जो लंबी लंबी ऊंचे दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाए बैठे हैं, परंतु यश निकल चुका है, तेल सुन बादाम। प्रतिष्ठा नहीं है तुम्हारे जीवन में तो क्या पाया, क्या तुम जी पाए, जगत के प्रिय नहीं बन पाए तो तुम्हारा जीवन क्या है। संसार में जी रहे हो तो जगत का प्रिय बन के जियो, ऐसा व्यवहार करो। हम अपने शरीर को प्रिय माने तो तुमने क्या जाना, तुम अपने स्वभाव को प्रिय मानते हो तुम्हें कौन महत्व तुम्हारा। जगत तुम्हारे स्वभाव को प्रिय माने तो तुम प्रिय हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष यदि हो, आत्मम पत्रम यस्मात्, आत्मम पत्रम यस्मात्, यस्मात् आत्मपतनम, जिससे आत्मा का पतन होता हो, तस्मात् भवतु दुर्गः, उससे शीघ्र दूर हो जाइए। ऐसी बेटा, जिससे आत्मा का पतन होता हो उससे शीघ्र दूर हो जाना चाहिए। जिस प्रवृत्ति से, जिस क्रिया से, जिस हंसी से, जिस मजाक से हार्दिक लोगों की श्रद्धा का आपसे पतित हो रही हो, ऐसा काम नहीं करने का। वे घने मित्र क्या स्वयं का शरीर ही क्यों ना हो, उससे दूर हो जाना चाहिए जिससे इसका नाश होता है। कोई महावृत्ति है, शरीर रक्षा ले, खून चढ़वा ले, अप्यस पाएगा उस शरीर के जीने से क्या प्रयोजन, जिससे काल काल तक अप्यस रहेगा। बोले मर तो गए लेकिन खून चढ़वा के मरे, इंजेक्शन लगवा के मरे, लोग स्वीकार नहीं करेंगे सदियों तक। बोले वो परंपरा कलंकित होती, बोले क्यों, इंजेक्शन लगवा लिया था। लोग एक एक रिकॉर्ड बन के रखते हैं। हमारा बनारसी जी पंडित जी से कहना स्पष्ट, आप गुरु भक्त हो, आपकी गुरु भक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन मेरी तरफ से अपने गुरुओं से निवेदन कर लेना कि स्वामी आपको प्रवचन देते बहुत अच्छी बात है, आपको शौक चढ़ाए टीवियों पर आए, यूट्यूब पर आए, तो साथ में इतना कह देना स्वामी हमारे अखंड जैनत्व की रक्षा भी करें आप, यदवा तदवा बोल करके लोग तुम्हारी क्लिप में काट के रख लेंगे महाराज, और दिखाएंगे देखो जैन मुनि अहिंसक की वाणी ये है, प्रत्येक मुनिराज को, प्रत्येक आचार्य उपाध्याय साधु आर्यकाओं को, छुल्लक इलक ब्रह्मचारी विद्वानों को चाहिए, यदि आपको शौक है
आजकल जैसे पृथ्वी बीज को सुरक्षित रखे हैं, बारिश में ही उगते हैं, साल भर सुरक्षित रखती है, ऐसे ही लोग मशीनें आपकी अमेरिका तक में तुम्हारी बात सुरक्षित रखी जा चुकी है। जैसे मौसम आने पर बीज उगते हैं, जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारी बातें सामने निकाल के रख दी जाएंगी। ये अमुक तारीख को आप ऐसा बोले थे, अब तुम भूल सकते हो लेकिन मशीनें रखें वे नहीं भूलेंगी। इसे हिंसक शब्दों का प्रयोग मत करो, बल्ला भरचा, बल्ला भाला फरसा, तोप ताखाने, इन प्रयोगकारों माटोकारों की भाषा ये निर्गंथों की नहीं होती, नहीं। विपत्ति के काल में भी गंभीरता का विसर्जन नहीं करना, विपत्ति के काल में भी मर्यादा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। सारस्वत जी सुरेग्नि, विपत्ति के काल में भी मर्यादा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। यतीन्द्र यनीन्द्र क्या जयेंद्र सागर जी, बालक विपत्ति के काल में मर्यादा का भंग नहीं कर देना चाहिए। अब विपत्ति काल में मर्यादा नास्ती है तो जो सूत्र बोल रहे हैं आप, वो सूत्र की अपेक्षा लगाइए। वो कौन सी मर्यादा? वो ये मर्यादा है कि आप ब्रह्मचारी हो, शील व्रतधारी हो, कोई महिला गिर पड़ी नाले में, बेटा तुम उठा लेना उसको, विपत्ति काल में मर्यादा नास्ती। वहाँ बचाने का भाव है, भोगने का भाव नहीं है, समझ रहे नहीं? क्या कलयुगी लोगों को स्पष्ट बोलना पड़ता है। अब बोलो विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब तुमने उसको निकाल लिया, वो स्वच्छ हो गई, सब कुछ हो गई, इसका मतलब नहीं है तो उसको मैंने निकाले गले लगा लूंगा, ऐसा नहीं है बेटा। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति कैसी? रात्रि में कोई श्रावक आ गया, मरणासन्न था, मुनिराज उसको बोलकर नमोकार सुना सकते हैं, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलना शुरू कर दो, बोलते ही रह जाओ। कोई मरणासन्न है उसको संबोधन दे सकते हैं महाराज, रात्रि में बोल सकते हैं महाराज, कब? विपत्ति काले, न कि बोले तुमने देख लिया वो बोल रहे थे ना रात्रि में तो तुम प्रतिदिन बोलना शुरू कर दो। लोग कोई मूलगुण नहीं होता, अरे अहिंसा महाव्रत है कि नहीं, मूलगुण है कि नहीं? तो अहिंसा की रक्षा के लिए मौन रखा जाता है, इसलिए मूलगुण है। जो रातों रातों बोल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, 9-9, 10-10, 11 बजे तक, वो नहीं है विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? नहीं तो हमारे जयंत सागर से पूछ लेना। जयंत जयंत दीक्षा में हमने पूछा तो बालक सफाई देने, हमने बेटा हमें सफाई दे रहे तुम, सुनो आइए। विपत्ति काले मर्यादा नास्ती तो समझ में आ गया बेटा, कौन सी विपत्ति काले मर्यादा नास्ती? बेटा विपत्ति काले मर्यादा मत छोड़ देना। बोले कैसी? सीता के ऊपर कितनी विपत्ति पड़ी, रावण कह रहा था तुम महारानी बन जाओ, श्रीलंक स्वर्णपुरी लंका की विपत्ति थी कि नहीं सीता पर, मर्यादा छोड़ देती तो आज हम ले रहे थे सीता का नाम क्या? विपत्ति काले मर्यादा नास्ती, समझ रहे कि नहीं? तो विपत्ति काल में मर्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। उपसर्ग आ गया पारसनाथ के ऊपर, उनमें इतना बल था वो कमट चूर चूर हो जाता, तो कहते विपत्ति काल में मर्यादा नास्ति। अरे विपत्ति यही थी, वो पर की विपत्ति थी, मैं कसा भड़क मेरी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाती, उन्होंने विपत्ति काल में मर्यादा रखी इसलिए भगवान पारसनाथ बन गए। ठीक है, विपत्ति काले भूखे प्यासे सीता राम लक्ष्मण घूम रहे थे जंगल में, वो एक विप्र के यहाँ पहुंचे, उसने भगा दिया तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, विपत्ति काल था कि नहीं? लेकिन तब भी राम ने नहीं भैया ये ब्राह्मण पर अपनों कुछ नहीं करना, अस्त्र शस्त्र विहीन पर छत्री का हाथ नहीं चलता, मर्यादा में थे इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, समझ गए? ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लग गया, इसलिए जो विपत्ति आते ही अपने आप बदल देते। अभी हमारे ये मुनिराज चलने वाले हैं, आओ वीर महावीर के सैन को ठंडी पड़ रही है,
105, 107, 106 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी ये वीर अभी खुले चलेंगे आकाश में। समझ रहे कि नहीं? 5 डिग्री, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सभी मुर्दाज खुले बदन बिना पन्नी लपेटे घूम अभी चलने वाले हैं। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, नहीं, विपत्ति काले मर्यादा अस्ति, नहीं होगा न सर्वथा। बेटा और कुछ कहना है क्या? बस इनके अस्त गिर गिर आगे चलते। अब तो अभी नीति शास्त्र है। झांझरी जी सुन रहे कि नहीं बेटा? ओ नृगन सागर जी, तो ऐसा मत कर बैठना विपत्ति काले किसी ने कह दिया महाराज जी बहुत ठंडी पड़ रही है, घुर जाओगे, गल जाओगे, आज अदरक की चाय पी लो। बोले विपत्ति के मर जा नास्ती, बेटा बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे लेकिन चाय नहीं पियेंगे, विपत्ति काले मर्यादा अस्ति, ठीक है। सौंठ का दूध पी लेना लेकिन अदरक नहीं खाने का। आइए, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जो लोग मर्यादा नहीं जानते ना वे अपनी हंसी करवाते हैं। आइए, तू आत्मनः पतनम यस्मात्, जिससे आत्मा का पतन होता अपयश फैलता है, तस्मा भवतु दूरगहा, और उन लोग दूर रहना चाहिए है। अपि चेत प्राणम रक्षयी, सुनिए ध्यान से, ये गजब का विषय है। तुम्हारी प्राणों की रक्षा का हेतु क्यों ना हो, तथापि अवसम स्थिति, ओहो प्राण बचने वाले हों और प्राण नष्ट होने वाला हो तो किसे बचाना चाहिए? प्राण बचाना चाहिए, प्राण की चिंता नहीं करना, प्राण पुनः मिल जाएंगे। प्राण चला गया ना, जितेंद्र सागर जी, बेटा प्राण नहीं छोड़ना, प्राण नहीं छोड़ना, प्राण नहीं छोड़ना। प्राण अनंत बार मिले हैं, प्राण अनंत बार नहीं मिला, एक बार अच्छे से प्राण मिल जाए तो मोक्ष हो जाता है। प्राण नहीं छोड़ना, तुम्हारा नाम हमने जितेंद्र रखा है, जितेंद्र, जिन अपने अपने नामों पर ही ध्यान कर लो तुम्हारे स्त्री हो जाए, जितेंद्र जितेंद्र, ओ सुभग 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 सुभग, तुम्हारा नाम सुभग सागर सुभग, जगत प्रिय बनू, तो जगत की प्रिय कब बनोगे? जब जगत से हम दूर रहेंगे तो जगत प्रिय कहलाओगे। विश्वास मानिए, मेरी निगाहों वही जगत प्रिय होता है जो जगत से दूर रहता है। तुम्हारा नाम जयंत रखा है, ओहो, अब बाद में मिलते हैं, इसकी व्याख्या करना पड़ेगी। तो जो तुमको पतित करने से दूर रहो, प्राण रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से भी क्यों आवश्यक क्यों हो? ए महात्मा साम्य, तुम किस बात के साम्य हो बेटा? चेन रक्षा ही तो आवश्यक मिस्त्री, जो हमारी प्राण रक्षा भी क्यों ना होती हो लेकिन यश का नाश करके प्राण बचा भी ली तो अरे मरा हुआ मुर्दा क्यों घूम रहा है? यश विहीन मुर्दा, यश का नाश करके संकल्प सागर जी, यश का नाश करके अपयश पा करके जीते भी रहे तो बेटा मुर्दा ही हो। ओह, इसलिए समूह के मध्य में प्राण भी जाएंगे तो दुनिया कहेगी साधुओं के बीच में समाधि मरण किया है, अकेला भटक करके समाधि करे तो लोग कहीं मर गया हो तो अकेला विचार जा करके। ओहो, यश का जीवन मरने के बाद भी जीवित रहता है, ठीक है, शेष कल मिलेंगे। ये जब तक प्रतिष्ठा का प्रकरण चल रहा है कोई छोड़ना मत, सब सुनो ध्यान से।